हेलो स्टूडेंट, श्रद्धा इंटरमीडिएट कॉलेज कचना रायतला वाराणसी से मैं मुन्ना सर। आपको इस वीडियो में विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक और कैसे कोई पदार्थ किसी दूसरे पदार्थ में घुलता है इसका अध्ययन कराएंगे। तो यह अब स्टूडेंट केमिस्ट्री का आपका सोल्यूशन का दूसरा वीडियो है। इस वीडियो में आपको विलेयता से स्टार्ट करते हैं। पिछले वीडियो में आपको बताया गया था कि विलयन किसे कहते हैं, तनु विलयन क्या होता है, सांद्र विलयन क्या होता है, संतृप्त विलयन क्या होता है, इन सब का अध्ययन कराया गया था। तो यहाँ पर आप विलेयता को देखेंगे और विलेयता को प्रभावित करने वाले कारकों का उल्लेख किया जाएगा। तो स्टूडेंट ध्यान दें, विलेयता क्या होती है? किसी पदार्थ की वह मात्रा जो निश्चित ताप पर 100 ग्राम विलायक को संतृप्त करने के लिए आवश्यक होती है, पदार्थ की विलेयता कहलाती है। स्टूडेंट ध्यान दें, पिछले वीडियो में आपको बताया गया था कि आप एक गिलास जल ले लीजिए और उसमें एक चम्मच चीनी डाल दीजिए, तो आप देखेंगे कि वह चीनी जल में घुल जाती है। ठीक यही प्रक्रिया एक दो बार और अपनाते हैं तो भी देखते हैं कि शायद वह चीनी घुल जाती है, लेकिन यही प्रक्रिया कई बार अपनाने पर एक समय ऐसा आता है कि चीनी का घुलना बंद हो जाता है, अर्थात चीनी आपका जल में या उपकरण जो आप लिए हैं उसकी पेदी पर बैठना शुरू हो जाता है और अर्थात चीनी का घुलना बंद हो जाता है। विलयन की इस अवस्था को आप संतृप्त विलयन कहते हैं। तो वहीं स्टूडेंट संतृप्त करने के लिए आप 100 ग्राम जल ले लीजिए या कोई विलायक ले लीजिए, उसमें कितना पदार्थ डाल दें एक ही बार में, कितना पदार्थ डाल दें कि वह जल इसके बाद किसी भी पदार्थ को घोलने में सक्षम न हो, अर्थात एक ही बार में वह पूरी तरह से उसको घोल दे। तो यही कहा जा रहा है स्टूडेंट, किसी पदार्थ की वह मात्रा जो निश्चित ताप पर, टेम्परेचर आपको फिक्स रखना है, ऐसा नहीं कि टेम्परेचर उसमें आप चेंज करते रहें, तो टेम्परेचर फिक्स है निश्चित ताप पर 100 ग्राम जल को संतृप्त करने के लिए आवश्यक होती है, पदार्थ की जो मात्रा आवश्यक होती है कि 100 ग्राम जल को पूरी तरह से संतृप्त कर दे, वही पदार्थ की विलेयता कहलाती है। असंतृप्त अवस्था आप जान रहे हैं स्टूडेंट कि जब जल या कोई विलायक विलेय को घोलना बंद कर दे, उसके बाद वो नहीं घोले। तो ये आपका है, यहाँ हेडिंग आप देख रहे हैं आगे विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक। स्टूडेंट कारकों में सबसे पहले आपका टेम्परेचर है, ताप है। साधारणतः पदार्थों की विलेयता ताप बढ़ाने से बढ़ती है। स्टूडेंट ध्यान दें, अगर आप साधारण तौर पर बोला जा रहा है कि अधिकतर ऐसे पदार्थ होते हैं जिनके ताप अगर आप बढ़ाते हैं तो विलेयता बढ़ेगी, अर्थात आप चीनी को घोल रहे हैं जल में तो चीनी धीरे धीरे घुल रही है, लेकिन नीचे से अगर आप टेम्परेचर देना शुरू कर दें तो जल्द घुलेगी, अर्थात उसकी विलेयता क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। आगे लिखा जा रहा है कि क्योंकि साधारणतः जब कोई पदार्थ विलायक में घुलता है तो ऊष्मा अवशोषित होती है। स्टूडेंट ध्यान दें, ताप बढ़ाने पर अधिकतर पदार्थ की विलेयता बढ़ जाती है क्योंकि उनको ऊष्मा की आवश्यकता होती है और आप ऊष्मा दे ही रहे हैं, ताप बढ़ा ही रहे हैं, इसलिए वह अग्र दिशा में क्रिया जाती है और विलेयता बढ़ जाती है, तो ऊष्मा अवशोषित होती है। कुछ पदार्थ आप देख रहे हैं स्टूडेंट, जैसे कैल्शियम सिट्रेट है, कैल्शियम सल्फेट है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, आदि की विलेयता ताप बढ़ाने से घटती है। ये सब ऐसे पदार्थ हैं स्टूडेंट, जब इनको ताप टेम्परेचर देंगे तो इनकी विलेयता घटेगी, बढ़ती नहीं है। क्यों? क्योंकि ये पदार्थ जब जल में घुलते हैं, विलायक में घुलते हैं, तो ऊष्मा उत्सर्जित करते हैं, इस प्रकार यह क्रिया ऊष्मा क्षेपी होती है। तो स्टूडेंट ध्यान दें, रासायनिक अभिक्रियाओं में दो तरह की अभिक्रियाएँ होती हैं, उष्मा शोषी और उष्मा क्षेपी। तो ऐसी अभिक्रियाएं जो उष्मा शोषी होती हैं, अर्थात जिनको उष्मा की आवश्यकता होती है, अगर आप ताप बढ़ाते हैं तो वो अग्र दिशा में जाती है, और उष्मा क्षेपी अभिक्रियाओं को जो उष्मा उत्सर्जित करती हैं, अगर आप ताप बढ़ाते हैं तो पश्च दिशा में जाती हैं। तो यहाँ पर जो कुछ आपको यौगिक जैसे कैल्शियम सिट्रेट, कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड दिए जा रहे हैं, इनको अगर जल में घोलें तो ये अच्छी तरह से घुलेंगे, अर्थात इनके घुलने की दर बढ़ेगी, लेकिन अगर टेम्परेचर दें तो इनके घुलने की दर घट जाएगी, क्योंकि यह खुद कह रहा है कि हमको टेम्परेचर की, ताप की आवश्यकता नहीं है,
हम तो खुद ऊष्मा उत्सर्जित कर रहे हैं, अर्थात हम ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया हैं। तो स्टूडेंट देख रहे हैं कि ताप का प्रभाव था आपका कि कैसे विलेयता घट बढ़ रही है। नोट में आपको बताया जा रहा है स्टूडेंट, गैसों की विलेयता ताप बढ़ाने से घटती है। अगर कोई गैस है जल में घुल रहा है या किसी विलायक में घुल रहा है तो ताप बढ़ाएंगे तो स्टूडेंट उसकी विलेयता क्या करेगी, घट जाएगी। यहाँ आप दूसरा कारक स्टूडेंट, एक दूसरा कारक है विलेयता को प्रभावित करने का, कौन सा कारक, विलेय और विलायक की प्रकृति। स्टूडेंट आपको पिछले वीडियो में बताया गया है कि विलायक कौन है विलेय कौन है, तो विलेय वह पदार्थ है जो विलायक में या दूसरे घटक में विलीन हो गया है और विलायक वह है जिसने विलीन किया है। अर्थात अगर आप एक गिलास जल ले रहे हैं उसमें एक चम्मच चीनी डाल दिए हैं तो चीनी पूरी तरह से घुल जाती है, तो चीनी विलेय है और जल आपका विलायक है। तो विलेय और विलायक किस प्रकृति के होते हैं या उनकी प्रकृति पर भी डिपेंड करता है विलेयता। तो आप देख रहे हैं कि विलायक मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, ध्रुवी विलायक और अध्रुवी विलायक। साधारणतः किसी विलायक में वे पदार्थ विलेय होते हैं जिनकी प्रकृति विलायक जैसी होती है। स्टूडेंट ध्यान दें, अगर विलायक ध्रुवी है तो ध्रुवी पदार्थ ही उसमें विलेय होगा, अगर विलायक अध्रुवी है तो अध्रुवी पदार्थ ही उसमें विलेय होगा। तो जिस तरह का विलायक होगा उसकी प्रकृति विलायक की जैसी होगी, विलायक की प्रकृति जैसी होगी उसी तरह विलेय की भी प्रकृति होनी चाहिए, पदार्थ की भी प्रकृति होनी चाहिए, तब वो घुलता है अन्यथा नहीं घुलता है। यहाँ आप देख रहे हैं यहाँ स्टूडेंट ध्यान दें, आयनिक व ध्रुवी पदार्थ ध्रुवी विलायकों में घुलते हैं जबकि अध्रुवी पदार्थ अध्रुवी या क्षीण ध्रुवी विलायकों में घुलते हैं। उदाहरण के लिए सोडियम क्लोराइड व अन्य आयनिक पदार्थ जल में घुलते हैं क्योंकि जल ध्रुवी विलायक है। स्टूडेंट ध्यान दें, सोडियम क्लोराइड ध्रुवी यौगिक है और जल भी आपका ध्रुवी है, तो जल में सोडियम क्लोराइड घुल जाता है। इसके विपरीत आयोडीन अध्रुवी पदार्थ है, यह जल में नहीं घुलेगा या जल में अल्प विलेय है, परंतु कार्बन टेट्राक्लोराइड में पूर्ण विलेय है। कार्बन टेट्राक्लोराइड एक अध्रुवी विलायक है। स्टूडेंट ध्यान दें, ध्रुवी पदार्थ ध्रुवी विलायक में घुलते हैं जबकि अध्रुवी पदार्थ अध्रुवी विलायक में घुलते हैं। ध्रुवी पदार्थ अध्रुवी विलायक में नहीं घुलेगा या अध्रुवी पदार्थ ध्रुवी विलायक में नहीं घुलेगा। अब स्टूडेंट ध्यान दें, अब यहाँ इम्पॉर्टेंट बात यह है कि हम कैसे ज्ञात करें कि कौन सा पदार्थ ध्रुवी है और कौन सा अध्रुवी है। तो आपको यह निर्धारित करने के लिए कुछ शर्तें हैं, उसका आप पालन करेंगे तो आपको पता चल जाएगा, ज्ञात चल जाएगा कि कौन सा पदार्थ ध्रुवी है और कौन सा अध्रुवी है। किससे आप ये बता सकते हैं कि कौन सा पदार्थ किस विलायक में घुलेगा। तो स्टूडेंट ध्यान दें, ध्रुवी यौगिक होने के लिए शर्तें हेडिंग हैं। तो सबसे पहले आप ये छांट लीजिए कि कौन सा ध्रुवी पदार्थ है, तो आप ये बता सकते हैं कि ये ध्रुवी में घुलेगा और अध्रुवी में नहीं घुलेगा। तो पहला पॉइंट है कि अणुओं में परमाणुओं के विद्युत ऋणात्मकताओं में अंतर होना चाहिए। स्टूडेंट ध्यान दें, जैसे यहाँ दिखाया गया HCl, ये Cl की विद्युत ऋणात्मकता हाइड्रोजन से अधिक है, हाइड्रोजन की विद्युत ऋणात्मकता Cl से कम है, अर्थात अंतर होता है। अगर सेम, जैसे यहाँ पर हम आपको लिखकर बता रहे हैं, जैसे हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, तो ये हाइड्रोजन और हाइड्रोजन की विद्युत ऋणात्मकता बिल्कुल सेम है, समान है, इनमें कोई अंतर नहीं आएगा। या आप स्टूडेंट देख लेते हैं क्लोरीन, फिर यहाँ क्लोरीन, ये दोनों एक जैसे हैं तो इनके विद्युत ऋणात्मकताओं में कोई अंतर नहीं आएगा। तो इसका मतलब ये सब पदार्थ आपके अध्रुवी हैं जबकि HCl ध्रुवी है। ध्रुवी पदार्थ होने के लिए पहला पॉइंट स्टूडेंट ध्यान दें कि अणुओं के परमाणुओं के विद्युत ऋणात्मकताओं में अंतर होना चाहिए, एक तरह का नहीं होना चाहिए। तो अंतर है तो ध्रुवी है, अगर अंतर नहीं है तो अध्रुवी। ये सब आपके स्टूडेंट ध्यान दें, ये अध्रुवी हैं।
ये अध्रुवी है, जबकि HCl क्या है, ध्रुवी है। दूसरा पॉइंट आप देखिए स्टूडेंट, यौगिकों में केंद्रीय परमाणु का परिणामी द्विध्रुव आघूर्ण शून्य होना चाहिए। स्टूडेंट ध्यान दें, यहाँ आपको कार्बन दिख रहा है, क्लोरीन है, क्लोरीन है, क्लोरीन है, क्लोरीन, आप देख रहे हैं क्लोरीन की विद्युत ऋणात्मकता कार्बन से ज़्यादा है, वो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचेगा, ऐसे चारों तरफ इलेक्ट्रॉन खींचे जाएंगे क्लोरीन द्वारा, कहाँ से, कार्बन से, तो इनका जो परिणामी द्विध्रुव आघूर्ण होता है वो बिल्कुल शून्य हो जाता है। परिणामी द्विध्रुव आघूर्ण होता क्या है स्टूडेंट, किस एक आवेश ले लीजिए चाहे प्लस या माइनस, और इधर दूसरा आवेश है माइनस, दोनों के बीच की दूरी, ये द्विध्रुव आघूर्ण है, एक आवेश और दूसरे आवेश, जो एक आवेश प्लस हो एक माइनस हो जो भी हो, वो द्विध्रुव आघूर्ण। तो यहाँ कहना परिणामी द्विध्रुव आघूर्ण के जो बीच की दूरी है या परिणामी जो है चारों तरफ से बिल्कुल क्या है, शून्य आ जाता है, तो शून्य होना चाहिए, शून्य होना चाहिए, शून्य नहीं होना चाहिए। स्टूडेंट ध्यान दें, शून्य नहीं होना चाहिए। इस वीडियो में ध्यान दें, दूसरा पॉइंट स्टूडेंट, केंद्रीय यौगिकों में केंद्रीय परमाणु का परिणामी द्विध्रुव आघूर्ण शून्य नहीं होना चाहिए। यहाँ फिगर बन गया है अध्रुवी का, तो ये परिणामी द्विध्रुव आघूर्ण शून्य है, इस प्रकार ये अध्रुवी है। स्टूडेंट ध्यान दें, कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 अध्रुवी है, ठीक इसी तरह CH4 अध्रुवी है। ध्रुवी होने के लिए परिणामी द्विध्रुव आघूर्ण शून्य नहीं होना चाहिए। जैसे यहाँ बना रहे हैं स्टूडेंट, यहाँ देखिए ए कार्बन है, ए आपका Cl है, ये आपका Cl क्लोरीन है, ये Cl है, लेकिन यहाँ हाइड्रोजन है। स्टूडेंट इस फिगर में आप ध्यान दें, क्लोरीन कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, यह क्लोरीन खींच रहा है, यह क्लोरीन खींच रहा है, लेकिन हाइड्रोजन नहीं खींच पा रहा है, हाइड्रोजन की विद्युत ऋणात्मकता कार्बन से कम है, तो इस केस में कार्बन स्वयं हाइड्रोजन से खींच रहा है इलेक्ट्रॉन, तो जो परिणामी द्विध्रुव आघूर्ण यहाँ पर है वो शून्य नहीं है, कुछ न कुछ आएगा जब निकाला जाएगा, तो इस प्रकार यह यौगिक क्या हो जाता है, ध्रुवी। ध्यान दें स्टूडेंट, ध्रुवी होने के लिए परिणामी द्विध्रुव आघूर्ण शून्य नहीं होना चाहिए। इस केस में CHCl3 एक क्लोरोफार्म है, CHCl3 क्लोरोफार्म एक ध्रुवी यौगिक है। क्यों ध्रुवी यौगिक है, क्योंकि इसका परिणामी द्विध्रुव आघूर्ण शून्य नहीं है, जबकि ये दोनों यौगिक अध्रुवी हैं, क्योंकि इसके परिणामी द्विध्रुव आघूर्ण शून्य है। तीसरा केस यह स्टूडेंट, यौगिकों में लोन इलेक्ट्रॉन पेयर उपस्थित होना चाहिए। लोन इलेक्ट्रॉन पेयर क्या होता है स्टूडेंट, साझा करने के बाद इलेक्ट्रॉन जो बच जाते हैं जोड़े में, उन्हें आप कहते हैं लोन इलेक्ट्रॉन पेयर। तो यौगिक में होना चाहिए लोन इलेक्ट्रॉन पेयर, तब उसे आप कहेंगे कि वो ध्रुवी यौगिक है। जैसे जल को ले लीजिए स्टूडेंट, ये ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन होता है, एक इलेक्ट्रॉन से हाइड्रोजन से साझा कर लिया, तो दूसरे इलेक्ट्रॉन से इस हाइड्रोजन से साझा कर लिया, और आपके 4 इलेक्ट्रॉन बच गए, अर्थात 2 लोन इलेक्ट्रॉन पेयर बच गए, 2 लोन इलेक्ट्रॉन पेयर या 4 इलेक्ट्रॉन ऐसा बोलते हैं। तो स्टूडेंट जल एक ध्रुवी विलायक है, यह कथन आप सुने होंगे कि जल एक ध्रुवी विलायक है, इसका मतलब ये है कि जल लोन इलेक्ट्रॉन पेयर के कारण एक ध्रुवी विलायक है। ठीक इसी तरह अमोनिया आप स्टूडेंट देख रहे हैं, तो अमोनिया में आप देख रहे हैं कि ये नाइट्रोजन है, इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 3 इलेक्ट्रॉन 3 हाइड्रोजन से साझा कर लिए हैं, जबकि 2 इलेक्ट्रॉन बच गए हैं, अर्थात अमोनिया में एक लोन इलेक्ट्रॉन पेयर उपस्थित है, इस प्रकार ये ध्रुवी है। ठीक इसी तरह एथिल अल्कोहल है, C2H5O है, इस ऑक्सीजन के पास लोन इलेक्ट्रॉन पेयर, तो ये सब ध्रुवी। तो ध्रुवी यौगिक होने के लिए लोन इलेक्ट्रॉन पेयर भी होना चाहिए। स्टूडेंट एक क्वेश्चन आप देख लीजिए, आयोडीन घुलनशील है, आयोडीन ये आप इस तरह से लिख सकते हैं आई, देख रहे हैं कि दोनों की विद्युत ऋणात्मकता सेम है, इस प्रकार ये अध्रुवी है, तो अध्रुवी आयोडीन है, तो अध्रुवी में ही घुलेगा, ध्रुवी में नहीं घुलेगा। तो स्टूडेंट क्वेश्चन देखे, आयोडीन घुलनशील है, किसमें, जल में, नहीं क्योंकि जल ध्रुवी है, एल्कोहल में, नहीं क्योंकि एल्कोहल भी ध्रुवी है, ईथर में, नहीं क्योंकि ईथर भी ध्रुवी है, कार्बन टेट्राक्लोराइड ये आप देख रहे हैं
अध्रुवी है तो आयोडीन इसी में क्या करेगा, घुलेगा। तो इस तरह से स्टूडेंट आप ज्ञात कर सकते हैं कि कौन सा पदार्थ किस विलायक में घुलेगा। तो ध्रुवी पदार्थ ध्रुवी विलायक में और अध्रुवी पदार्थ अध्रुवी विलायक में, और इन तीन केसों द्वारा हम ज्ञात कर सकते हैं कि कौन सा पदार्थ ध्रुवी है और कौन सा अध्रुवी। तो इस वीडियो में आपको इतना है, नेक्स्ट वीडियो में आपको दिया जाए।